नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का लीडिंग वेब न्यूज चैनल वायरल सच। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव के जन्मदिन पर पूर्व मेयर विमल यादव ने गुरुग्राम में हवन कर पेड़ पौधे लगाए और देश से कोरोना को जल्द खत्म करने के लिए भी यज्ञ में आहुति डाली। वहीं गुरुग्राम नगर निगम के पूर्व मेयर विमल यादव ने पेड़ पौधे लगाकर लोगों को एक संदेश भी दिया है और लोगों से अपील भी की है कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसका रख रखाव कर उसे बड़ा करें, जिससे कि लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और गुरुग्राम को हरा भरा बनाया जा सके। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हमारे जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, उनकी बेटी जो हमारे भविष्य की हरियाणा की जो है एक बहुत बड़ी नेता के तौर पर उभर रही हैं, आज 3 जुलाई को उनका जन्मदिन है और उनका जन्मदिन सभी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रांत के अंदर मना रहे हैं। हम भी पौधारोपण करके, हवन यज्ञ करके और आरती जी का जन्मदिन मना रहे हैं और हमने अपने गांव के अंदर कोरोना टेस्ट फ्री भी सरकार से मिलके कैंप का आयोजन किया है जो 2 दिन तक रहेगा, जिसके अंदर जो भी कोरोना पेशेंट है वो सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधा से का लाभ उठा सकेंगे, अपने वहाँ पर आएँगे, अपनी जाँच कराएँगे और जो कि जाँच निःशुल्क है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि लोग जो है आज के दिन इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने टेस्ट करा के इस बीमारी को जितनी जल्दी से ख़त्म किया जा सके, उस तरह के जो गवर्नमेंट के प्रयास हैं उसमें सरकार का सहयोग करे। हमने गवर्नमेंट के जो अपने सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं उनको फॉलो किया है, मास्क का यूज़ करके, सैनिटाइज़र का और सोशल डिस्टेंसिंग का हम जो है पालन करते हुए, उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक हमारी बड़ी अहम जिम्मेवारी है, अगर हम ही समाज के लोग उसका नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों से उपेक्षा क्या करेंगे। तो हमने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सभी कार्यक्रम को हम जो है पूरा करने वाले। देखिए जी, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा सभी व्यक्ति को लगाना चाहिए और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर 10 पेड़ ज़रूर लगाकर उनको बड़ा करना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपनी संतान का ध्यान रखते हैं उसी तरह हमें पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है उनको लवारिस छोड़ने से पेड़ नहीं पनप पाते, उनका रेगुलर ध्यान रखने से ही पनप पाते। और अभी हमारी सरकार की जो कि ये चल रहा है अपना मानसून का जो सत्र आने वाला है, इसके अंदर सरकार के द्वारा भी फ्री जो है 8 से 10 तरह की वैरायटी के पेड़ गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को दिए जा रहे हैं कि लोग लेके जाएं और उनको अपने घरों के अंदर, अपनी ग्रीन बेल्ट एरिया के अंदर, जहां पर भी उनको जगह लगे वहां पर लोग जो है उनको लगाएं। तो मैं लोगों से भी आपके माध्यम से अपील करूँगा कि हमारे गुड़गांव को ग्रीन गुड़गांव बनाने के लिए गवर्नमेंट का और हम सबका सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि सबसे तेज नहीं सिर्फ सच मिलेगा आपको ओनली ऑन वायरल सच। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मुद्दा है जो देश प्रदेश या जनता से जुड़ा हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वायरल सच बनेगा आपकी आवाज।